प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप, विकास के चरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वायत्तता के पक्ष में है, कितना एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है या ऑटोनोमस डिसिप्लिन है, इसके बारे में चर्चा करी है। अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कौन कौन से उपागम हैं, इन उपागमों के बारे में हम एक हर वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों में जो मुख्य रूप से जो सिद्धांत चर्चा में आते हैं वो है आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, शक्ति संबंधी उपागम, व्यवस्था परक उपागम तथा डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गेम थ्योरी जिसे क्रीड़ा उपागम कहते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी, तो इस तरह की हम ये 7-8 थ्योरीज हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा आती है, देखो ये भी एक थ्योरी इसको ऑटोनोमस डिसिप्लिन की ओर ले जाती है। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आइडियलिस्टिक अप्रोच यानी कि आदर्शवादी उपागम की। आदर्शवादी उपागम का जो प्रेरणा स्रोत है वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 और अमेरिकी क्रांति 1776 को माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉन्डरसेट की ग्रंथ की 1795 में विश्व समाज की रचना को आधार माना गया है। जो इसके मुख्य रूप से समर्थक रहे हैं वो है कॉन्डरसेट, वुड्रो विल्सन, बटनफील्ड, बर्नार्ड रसल आदि को माना गया है। इनके द्वारा एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई थी और ये आदर्श विश्व कैसा था, जो कि अहिंसा व नैतिक आधारों पर आधारित होगा और युद्धों का परित्याग कर देगा। इस आदर्शवादी अप्रोच की जो बेसिक धारणाएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, वो इस प्रकार है। क्या है कि वो ये मानते थे, जैसा कि आपको नाम से पता था, देखो जो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। क्या, जैसे आदर्श का मतलब क्या होता है कि हर चीज बहुत तरीके से हो रही है, किसी भी चीज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे कि इन लोग समर्थकों का कहना था कि मानस स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा और सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। मानव द्वारा दूसरों की मदद करने और कल्याण की भावना ने ही विकास को संभव बनाया है। और मानव जो है उसमें जो बुरी आदतें होती हैं वो किसी भी उसके बुरे व्यक्तित्व के कारण नहीं आती, बल्कि कुछ बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आती हैं। और मानव युद्ध की ओर भी इन संस्थाओं के कारण ही प्रेरित होता है। और जैसा कि ये माना जाता है कि युद्ध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे खराब स्वरूप माना जाता है। और युद्धों को रोकने के लिए संस्थागत सुधारों के माध्यम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इनके समर्थक ये मानते हैं कि युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही खोजना होगा, स्थानीय स्तर पर नहीं। समाज को अपने आप को इस तरह से संगठित रखना चाहिए कि युद्धों को रोका जा सके। तो इस दृष्टिकोण के कारण निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं, जैसे कि इसमें क्या विशेषता प्रकट हुई, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। और ये माना गया है कि राज्यों के बीच जो आपसी संबंध हैं वो शक्ति के द्वारा नियंत्रित न हो करके किसके द्वारा नियंत्रित है, नैतिक मूल्यों के द्वारा नियंत्रित है। और उनके अच्छे संबंधों के लिए नैतिक मूल्यों का अच्छा होना आवश्यक होता है। राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त हैं तथा परस्पर सहयोग का विकास ही राज्य का मूल आधार है। ये जो आदर्शवादी विचारकों के समर्थक है वो ये मानते हैं कि वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनानी चाहिए। और ये जो सरकार है इसको नैतिक मूल्यों के आधार पर शक्ति संगठित होना चाहिए,
तथा शक्ति का कहीं भी उसमें कोई समावेश नहीं होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल कि नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया, शक्ति की समाप्ति की घोषणा की गई। तीसरी बात है कि युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है और कई अच्छे कानूनों द्वारा युद्ध करने की जो संभावनाएं हैं उसको कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन द्वारा किसी भी प्रकार के युद्धों के संकट से बचा जा सकता है। ये माना जाता है कि इस तरह का अगर नैतिकता का वातावरण होगा तो युद्धों में ये जो हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाएगी। हथियारों का होना भी युद्धों की प्रवृत्ति को जन्म देने में सहायक होता है। और अगर धीरे धीरे नैतिकता बढ़ती जाएगी तो हथियारों की होड़ जो कंपटीशन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की जो निरंकुश प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाया जानी चाहिए और उनका मानना है कि जो टकराव होता है वो हमेशा निरंकुशवादियों और प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखने वालों के बीच में होता है। उनका ये मानना है कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हेतु राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा। राज्यों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई है जिसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। मतलब ये आइडियलिस्टिक फॉर्म वर्ड की बात की गई है जिसमें किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधियों को, शक्ति को, संघर्ष को किसी तरह का कोई स्थान नहीं होगा। राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं है बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। यह विकास धीरे धीरे मानव कल्याण व सहयोग पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदर्शवादी जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राज्य का स्वरूप नैतिक है, वो किसी तरह के संघर्ष पर, किसी तरह की अनैतिकता पर जोर नहीं देता है और ये मानता है कि अगर नैतिकता राज्य का स्वभाव है तो उसमें कहीं पर भी कोई भी आपस में वैमनस्य नहीं होगा, किसी तरह की युद्ध की संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में आप देखो कि किसी भी समाज में इस तरह की आदर्शवादी स्थिति संभव नहीं है। तो कुछ आधारों पर इस अप्रोच की, इस उपागम की निंदा की गई है, जैसे कि ये सिद्धांत टोटली हाइपोथेटिकल है, टोटली कल्पना पर आधारित है और जिसका राष्ट्रों की वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस काल्पनिक विश्व के आधार पर ये माना जाने लगा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जबकि आप ये जानकर जानते हैं कि कोई भी समाज इतना स्मूथली नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते ही हैं। दूसरा जो अप्रोच आती है कि इसमें नैतिकता पर जरूरत से अधिक बल दिया गया है। ये माना जाता है, ये सच है कि नैतिकता जो है वो समाज में अपनी एक एग्जिस्टेंस बना करके रखती है, लेकिन राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों के संघर्ष में शक्ति व कानून दोनों का विशेष स्थान होता है। बिना कानूनी व्यवस्था के, बिना कानूनी व्यवस्था के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल होता है। वास्तविकता की दरार पर तल पर शक्ति के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कोरी आदर्शवादिता के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अगर हम संपूर्ण अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए शक्ति को भी हमें मानना होगा, युद्ध की भी जो तत्व है उनको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो भी कंटेंट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अगर हमें पूर्ण होल स्टडी करना है तो उसमें ये आदर्शवादी दृष्टिकोण बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं रहा हो। राष्ट्र संघ की जो असफलता हुई, लीग ऑफ नेशंस का जो निर्माण हुआ,
और उसके बाद वो असफल रहा, उसकी असफल रहने की वजह भी यही मानी जाती है। आदर्शवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक व्यवस्था अथवा विश्व सरकार बनने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित हेतु एक अड़ियल रवैया अपनाना रहा है। और आज के युग में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहता है, और ना ही वह अपने राष्ट्रीय हितों के एवज में दूसरे राष्ट्रों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ भी देना चाहता है। जैसे कि अब आप देखो, वैक्सीनेशन की बात थी, लेकिन हर राष्ट्र ये चाहता है कि मेरे देश में पहले हो, हमारे यहाँ पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए, हम रोग मुक्त हो जाएं। तो ये ठीक है, आप पूरी तरह से, हम ये नहीं कह सकते कि आदर्शवादी उपागम पूरी तरह से अनुपयोगी है या अप्रासंगिक है, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी जो विश्व परिदृश्य है, कोई भी जो गठन है, वो नैतिकता, व्यक्ति, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु लाभकारी होता है। नैतिकता जो होती है खराब नहीं होती है, लेकिन एक्सट्रीम नैतिकता का हाइपोथेटिकल करना, परिकल्पना करना, ये एक एक्सट्रीम लेवल तक ये गलत कहा जा सकता है, क्योंकि स्वार्थी युग है वर्तमान में और लोगों का अप्रोच चेंज हो गया है, राज्यों की अप्रोच बदल गई है। तो ऐसे स्थिति में विकासशील देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, विकसित देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो इसका इसलिए ये है कि ये एक सीमा तक ही आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन सीमा के परे जाकर के ये अहितकर ही साबित हो पाएगा, हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये एक लेवल तक, ये एक सीमा तक ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम काम कर सकता है, उसके पश्चात नहीं कर सकता। तो ये आज हमने एक अप्रोच की चर्चा करी, वो है आदर्शवादी उपागम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अप्रोच की, रियलिस्टिक थ्योरी, यथार्थवादी उपागम की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।